हेलो एवरीवन कंप्यूटर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर का सर्टिफिकेशन अगर आप करना चाहते हैं या फिर अगर आप फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर बनना चाहते हैं किसी भी कंपनीज में जो साइबर क्राइम्स होते हैं अगर आप उसको इन्वेस्टिगेट करके पता लगाना चाहते हैं या फिर अगर आप उसके एविडेंस ढूंढना चाहते हैं इसी तरह के अगर आपको जॉब प्रोफाइल करनी है साइबर सिक्योरिटी में और आप सी एच एफ आई सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं जो कि वन ऑफ द बेस्ट सर्टिफिकेशन है इन साइबर फॉरेंसिक इंडस्ट्री तो आज की वीडियो कंप्लीट आप लोगों के लिए होने वाली है वीडियो को एंड तक तो ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैंने इस वीडियो में बताया है कि सी एच एफ आई सर्टिफिकेशन क्या होता है कहाँ से आप कर सकते हैं कैसे अप्लाई करना होता है कौन कौन से क्वेश्चन वहाँ पर आते हैं किस तरह का एग्जाम होता है कंप्लीट डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में दी है तो वीडियो को तक तो जरूर देखेगा दोस्तों मेरा नाम राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मास्टर्स नाइटी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना इस देरी के तो आज हम समझ रहे हैं सी एच एफ आई सर्टिफिकेशन क्या होता है जो कि इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर हैकिंग फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर जिसको ई सी काउंसिल प्रोवाइड करता है जब ये सर्टिफिकेशन करते हैं तो कुछ इस तरह का आपके पास सर्टिफिकेशन आता है मैंने हाल ही में लास्ट ईयर ये वाला सर्टिफिकेशन किया था और इसका जो एक एक्सपायरी डेट होती है यानी कि जब आप ये सर्टिफिकेशन करते हैं तो तीन साल के बाद ये एक्सपायर हो जाता है आपको तीन साल के बाद वापस से रिन्यू कराना होता है जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हो जब मैं सर्टिफिकेशन ये किया था तो यहाँ पे इशू डेट आई थी यानी कि 28 अगस्त 2022 तो 28 अगस्त को मैंने ये सर्टिफिकेशन किया था और 27 अगस्त 2025 को ये सर्टिफिकेशन एक्सपायर हो जाएगा एक्सपायर होने का मतलब होता है कि ये सर्टिफिकेशन आपको वापस से रिन्यू कराना पड़ेगा तीन साल के बाद क्योंकि सी का जो वर्जन है अभी वर्जन टेन चल रहा है हो सकता है कि बस अगर नेक्स्ट ईयर ही आपको इसका जो वर्जन 11 देखने के लिए मिले तो इसलिए आपको हर तीन साल में इसका जो सर्टिफिकेशन होता है उसको रिन्यू कराना पड़ता है रिन्यू कराने का क्या प्रोसेस होता है अगर आपको प्रोसेस जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो ला इसके बारे में बताऊँगा कि रिन्यू अगर कराना है तो उसके लिए कौन कौन से प्रोसेस होते हैं कौन कौन से स्टेप्स आपको लेने पड़ते हैं अगर आपको एक सर्टिफिकेशन वापस से तीन साल के लिए रिन्यू कराना है और ये भी हो सकता है कि आप बिना पेमेंट करें आप तीन साल के लिए उसको वापस से रिन्यू करा सकते हो तो कुछ इस तरह का आपको सर्टिफिकेट नज़र आता है जब आप सी एच एफ आई का सर्टिफिकेशन होता है वो क्लियर कर लेते हैं अब हम बात करते हैं इसका कोर्स आउटलाइन के बारे में यानी कि जो सी एच एफ आई का कोर्स अगर आप करते हो तो कौन कौन से मॉडल्स आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं तो मॉडल्स स्टार्टिंग होता है कंप्यूटर फॉरेंसिक्स इन टूडेज वर्ल्ड यानी कि बहुत बेसिक से यहाँ पर स्टार्टिंग होती है अब यहाँ पे जो वीडियो किसी भी तरह का स्पॉन्सर वीडियो नहीं है मैं आपको सिर्फ एक इसके बारे में बता रहा हूँ कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे तो स्टार्टिंग होती है कंप्यूटर फॉरेंसिक्स इन टूडेज वर्ल्ड यानी कि बहुत बेसिक लेवल से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो अगर आपने अभी तक फॉरेंसिक्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है तब भी आपके लिए ये सर्टिफिकेशन बहुत अच्छा हो सकता है लेकिन आपको बेसिक साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज होना चाहिए और अगर आपके पास सी सर्टिफिकेशन है या फिर अगर आपने सी का ट्रेनिंग भी ले रखा है अगर तो भी वेल एंड गुड है तो यहाँ पे आपका पहला मॉडल जो स्टार्ट होगा कंप्यूटर फॉरेंसिक से स्टार्ट होगा उसके बाद कंप्यूटर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस से यहाँ पर आता है अगर आपने मेरी वीडियोज़ देखी होंगी तो मैं आपको इस तरह की वीडियोज़ जो है बना के ऑलरेडी दे रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर तो वहाँ से भी जाके आप पढ़ सकते हो देन फिर यहाँ पे अलग अलग मॉडल्स आते हैं आपके हार्ड डिस्क को एनालाइज़ करना डेटा एक्विजिशन यानी कि डेटा को किस तरह से हम एक्वायर करते हैं डेटा को रिकवर कैसे कराया जाता है एंटी फॉरेंसिक टेक्निक्स कौन सी होती है यानी कि हैकर जब किसी सिस्टम को हैक करते हैं तो वहाँ पे एंटी फॉरेंसिक टेक्निक्स को अप्लाई करता है ताकि उसको पकड़ा ना जा सके या फिर उसके जो एविडेंस उनको ट्रेस ना करा जाए देन विंडोज़ की फॉरेंसिक्स कैसे, कैसे करती है लेंस की फॉरेंसिक्स कैसे करी जाती है तो अगर मैं आपको अपना पॉइंट इसमें रखूँ तो मैंने जब ये कोर्स किया तो यहाँ पर मैक्सिमम जो चीज़ें थी वो ज़्यादातर इसमें थ्योरेटिकल थी थ्योरेटिकल के बाद यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ें भी हैं लेकिन इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो क्योंकि आप बोल सकते हो कि फॉरेंसिक्स के अगर डोमेन है तो उसका एक एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन आप इसको कह सकते हो अगर आप फॉरेंसिक्स में जाना चाहते हो तो, तो इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है इसको क्रैक करना कि इसमें बेसिकली कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं किस तरह के क्वेश्चनस आते हैं वो हम अब आगे बात करते हैं लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि पूरा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस ये पूरा कोर्स है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड नहीं है इसमें थ्योरी भी बहुत ज़्यादा है ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं, वो सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो अगर आपको फॉरेंसिक में जाना है तो इनिशियल लेवल पर बिगनर लेवल पर बहुत अच्छा सर्टिफिकेशन है आपको बहुत अच्छी नॉलेज दे देगा उसके बाद ये आपको सभी तरह के टेक्नोलॉजीज में काम करने के लिए फॉरेंसिक्स में कैसे काम करते हैं आपको गाइड करेगा जैसे कि डार्क वेब वगैरह फॉरेंसिक करते हो वो कैसा कर सकते हो डेटा है क्लाउड है मैलवेयर है मोबाइल है आई ओ फॉरेंसिक्स कैसे होती है नेटवर्क फॉरेंसिक्स कैसे होती है सभी तरह का एक फाउंडेशन एक बेसलाइन रेडी कर देगा आपके लिए तो अगर आपका फॉरेंसिक्स के जिस भी डोमेन में जाके काम करना है क्योंकि फॉरेंसिक्स में देखो अलग अलग तरह के फॉरेंसिक्स की जाती है डार्क वेब एक्सपर्ट्स होते हैं डेटाबेस क्लाउड इन्वेस्टिगेटिंग ई मेल क्राइम्स मोबाइल फॉरेंसिक्स तो बहुत ज़्यादा अलग अलग काम आप पे किए जाते हैं तो आपके सभी तरह के लिए बेसलाइन जो फाउंडेशन होती है वो रेडी कर देगा ये सर्टिफिकेशन एग्जाम की अगर हम बात करें तो वन फिफ्टी क्वेश्चन सभी तरह के क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं यानी कि किसी भी तरह का प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं है कि आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन किस तरह के होते हैं वो मैं आपको अभी दिखाता हूं इसके बाद आपके फोर आवर्स का आपका एग्जाम होता है और एग्जाम आपको फोर आवर्स के अंदर ही क्रैक करना पड़ता है क्रैक करने का जो क्राइटेरिया है वो है कि अप्रॉक्स आपके 70 परसेंट मार्क्स उसमें आने चाहिए अगर आपको उसको क्रैक करना है तो फोर आवर्स का टाइम इनफ होता है 150 फिफ्टी क्वेश्चन करने के लिए क्योंकि अगर आप सी की बात करते हो तो सी में भी आपको फोर आवर्स का ही टाइम मिलता है वन ट्वेंटी को क्लियर करने के लिए अब अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो एग्ज़ाम को देने के लिए कुछ क्राइटेरिया सेट करें इसी काउंसिल ने या तो आप इसी काउंसिल का जो ऑफिशियल सेंटर है आप वहाँ से एग्ज़ाम दे सकते हो या फिर आप डायरेक्टली इसी काउंसिल से सेचेस करके भी एग्ज़ाम को दे सकते हो अगर आप लोग में से जो लोग भी इंटरेस्टेड एग्ज़ाम को देना है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो कि अगर आपने इसकी ट्रेनिंग ले रखी है या फिर अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए आपको सर्टिफिकेशन करना है किसी भी तरह का इसी काउंसिल का कोई से भी अगर आपको सर्टिफिकेशन करना है सी तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल नीचे प्शन पर आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो तो वहाँ पर आपको डिटेल्स दे दूंगा इसके एग्जाम और सर्टिफिकेशन के बारे में देन ये जो एग्ज़ाम है वो कैसे बुक किया जाता है मैं आपको वो बता देता हूँ कि अगर आपको इसको बुक करना है तो कैसे आप बुक कर सकते हो कहाँ पे आपका आपका जो ट्रांसक्रिप्ट आता है कहाँ से आप ये एग्जाम के सारी डिटेल्स देख सकते हो अब मैं आपको वो बताता हूँ तो जब भी आपको एग्जाम बुक करना होता है आपको ये दो पोर्टल हैं आपको इस पर अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है पहला है ए एग्ज़ाम और दूसरा है एसपेन पोर्टल यहाँ पे मेरे ऑलरेडी अकाउंट्स हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे मैंने कौन कौन से एग्जाम दे चुका हूँ इसी काउंसिल के उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसके जो क्वेश्चन होते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपके पास आते हैं जब आप एग्जाम को बुक करते हैं तो तो यहाँ पे आपको अकाउंट अपना क्रिएट करना पड़ता है एग्ज़ाम को शेड्यूल करने के लिए आपको टेक टेस्ट पे जाना होता है और यहाँ पे जो भी आपका वाउचर कोड होता है वाउचर कोड आपको परचेस करना पड़ता है उस वाउचर के ही पैसे होते हैं जो आप एक्चुअल में देते हैं अगर आपको इसी का उन्े कोई सा भी एग्जाम देना है तो उसके लिए आपको एक वाउचर परचेस करना पड़ता है देने पर वाउचर कोड आपको डालना पड़ता है उसके बाद अपना जो एग्ज़ाम होता है वो आप शेड्यूल करते हो दूसरा चीज़ यहाँ पे एसपन पोर्टल हमारे पास होता है एसपन पोर्टल में आपको क्या करो लॉग इन मैं करके दिखाता हूँ आपको कि क्या इफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है तो यहाँ पे आपको आपके जो भी आपका कोर्सेस होंगे तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो तो मैंने वर्जन टेन सर्टिफिकेशन किया था देन इसके अलावा मैंने सी सर्टिफिकेशन यहाँ पे कर रखा है सर्टिफाइड एथिकल हैकर तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के जो है सर्टिफिकेशन जितने भी आपने किए होंगे सभी तरह की इन्फॉमेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है तो इस पूरे डैशबोर्ड में आपको नजर आ रहा होगा ट्रेनिंग मटेरियल मिल जाता है आपको यहाँ पे इसके अलावा आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट की इनफॉमेशन मिल जाती है तो यहाँ पे आप दिख रहा होगा री सर्टिटीफाइड यहाँ पे लिखा है यानी कि मैंने जो सर्टिफिकेट है मेरा आई काउंसिल का सी का वो रिन्यू हो चुका है तो वो उसका प्रोसेस मैं पूरा आपको बताऊंगा एक डेडिकेटेड वीडियो में देन अब मैं आपको बताता हूँ कि जो क्वेश्चन आते हैं सैम्पल वो कैसे आते हैं तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन नज़र आ रहे होंगे मैं लिंक है जो वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ये सिर्फ एक डेमो क्वेश्चन है ये सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे मैं फिर से रिपीट करता हूँ दिस इज जस्ट अ डेमो क्वेश्चन तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है सिर्फ डेमो है कि किस तरह का एग्जाम होता है जो एम सी क्यू बेस्ड होता है अब यहाँ पे क्वेश्चन है विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑफ अ फॉरेंसिक लैब तो कौन सा आपके वो सही क्वेश्चन है उसमें आपको एक टिक मार्क करना पड़ता है उसके बाद इस तरीके से आपके वन फिफ्टी क्वेश्चन करने पड़ते हैं जिसमें आपके जो मिनिमम है आपको 70 परसेंट लाना पड़ता है तो ये होता है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सी एच एफ आई सर्टिफिकेशन के बारे में आपको इन समराइज करके बता देता हूँ जो सी एच एफ आई सर्टिफिकेशन ई काउंसिल प्रोवाइड करता है अगर मैं इसकी फीस की बात करता हूँ तो अगर आप डायरेक्टली ए काउंसिल से लोगे तो उसकी फीस वेरी कर सकती है फाइव टू थाउजेंड डॉलर लेकिन अगर आप किसी ए काउंसिल ऑथोराइज सेंटर से अगर आप इसका वाउचर जो परचेज करते हो तो वो समवेयर अराउंड आपको ट्वेंटी फाइव टू थर्टी थाउजेंड के आसपास ये इसका सर्टिफिकेशन कॉस्ट देखने के लिए मिल जाती है लेटेस्ट कॉस्ट क्या है मैं अभी आपको श्योर नहीं कर सकता क्योंकि मैंने लास्ट ईयर किया था तो अभी फ़िलहाल क्या जो कॉस्ट है अगर आपको करना चाहते हैं तो आप मुझे डीएम करिए मैं आपको उसके लिए पता करके बता सकता हूँ कि इसकी अभी की लेटेस्ट कॉस्ट क्या चल रही है सी सर्टिफिकेशन की इसके अलावा तीन साल का सर्टिफिकेट होता है आप से तीन साल के बाद आपको रिन्यू कराना पड़ता है एग्ज़ाम पैटर्न की अगर मैं बात करता हूँ तो वन फिफ्टी आपको मिलते हैं फोर आवर्स का एग्ज़ाम टाइम आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलता है इसके अलावा कौन कौन से मॉडल्स वहाँ पे देखने के लिए आपको मिलते हैं मैंने वो भी आपको समझा दिया आई होप आपको ये डिटेल वीडियो समझ में आई होगी इसके अलावा अगर आपको किसी और सर्टिफिकेशन के बारे में चाहिए तो कॉमेंट डाउन बिलो मैं आपको जरूर वीडियो लाकर दूंगा तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों क्योंकि इसी तरह की इंफॉर्मेशन साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड वीडियो में आपके लिए लाता रहता हूं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय